आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पत्थर वर्गी वीडियो सॉन्ग बी पराग जानी फीचर्स हीना खान तमन्ने सिंह रणवीर। मौजम तमन्ने सिंह नहीं है, ये तन्मय सिंह होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको समझाती, पता नहीं समझ ही नहीं आती। एनीवे गाइस, आज हम ये सॉन्ग देखने जा रहे हैं और मैं यूज करूंगी हेडफोन और मौजम यूज करेगा ये रही हैंड फ्री, क्योंकि मेरा जो हेडफोन है ना उसके वायर खराब हो गए, तो वायर नहीं ले ऑक्स केबल जो है नहीं हाँ। लेकर आऊंगा क्योंकि अभी लॉकडाउन है आज तक, फिर कल से दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, ईद का 4 डे है तो इस वजह से। लेकिन अभी हम देख लेते हैं गाना, मैं तो एंजॉय करूंगी काफी ज्यादा, लेकिन उससे पहले मैं भी एंजॉय करूंगा, लेकिन इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं कहना चाह रहा था वो डिस्क्लेमर, रोना नहीं। ये डील भी हाथ से गई सर, फिर से करोड़ों का लॉस, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। ये देखो, बिजनेस में प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, उसे छोड़ दे, वरना उसकी मौत का सिर्फ तू ही जिम्मेदार होगा। कोई कदर नहीं होंगी जीनू।
लगी छोटी जी, तू ना इंज लगा जानी, आ मुड़ के आ जानी, थोड़ा तरस दिखा जानी। मेरी जिंदगी नरक जही, क्यों हुई नहीं पुछदा, जो मेरा सी अपना हुण मैनू ओई नहीं पुछदा, कोई नहीं पुछदा। मैं तेरे बिना पाया राज पे मत्तर वर्गिया, जिदी कोई कदर नहीं हुंदी, जीनू कोई नहीं पुछदा। मैं तेरे बिना पाया राज पे मत्तर वर्गिया, जिदी कोई कदर नहीं हुंदी, जीनू कोई नहीं पुछदा। आज इस गाने की, तो गाने के लिरिक्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया गाने को सुनने का। लेकिन अगर मैं पिक्चराइजेशन की बात करूँ ना, तो मुझे जो पहले इससे हमने बीपराग जी के गाने सुने हुए हैं वो ज्यादा अच्छे थे। अच्छा, वैसे बेसिकली इसमें बीपराग ने म्यूजिक दिया हुआ है और बीच में थोड़ा सा उनका यू नो एक राग स्टाइल जो है, एक राग वाकई में वो हम लोग को सुनने को मिला। और अगर मैं बात करूँ इस सॉन्ग की, तो वाकई में मुझे स्टोरी लाइन इतनी मजे की नहीं लगी, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो जाते हो बीच में। और क्योंकि ये गाना हिना खान को मैं फॉलो भी करती हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मतलब मुझे पता था कि ये गाना आएगा तो हम लोग जरूर देखेंगे। बट एनीवे मैं कहूंगी कि मजा आया देखने का, लेकिन उस लेवल का मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में ये हो रही थी कि शायद बीपराग भी बीच में गाना गाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने बीपराग को जिस तरह सुना है, जिस तरह उनके गाने एंजॉय किए हैं, जो उनकी एक आवाज है ना वो बहुत डिफरेंट है, वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और ये हकीकत है, खासतौर पर वही फिर वाली बात आ जाती है, जब आप सिर्फ गाना सुनने में उनके मगन हो ना, तो फिर आप तो भाई बस मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में आपको गूज़बम्स आ जाते हैं बीपराग की आवाज सुनकर। उनकी आवाज में एक अलग सा और एक अजब सा नशा है, जो कि आप सुनते हो ना तो वाकई में आप किसी और दुनिया में चले जाते हो। मतलब जो म्यूजिक की दुनिया होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। आप अपने आपको ना किसी और ही, मतलब पता नहीं, जैसे आपका मन करता है, आप कभी डांस कर रहे हो, कभी आप लीड एक्टर बने हुए हैं, कुछ ना कुछ आप परफॉर्म करते हो। बिल्कुल, असल में जो म्यूजिक है ना, वो आपको बहुत सारी पुरानी यादों जो है उनमें ले जाता है, आपको बहुत सारी चीजें याद दिला देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार आपकी कहीं ना कहीं से जरूर जुड़ी होती है, तो आप उन चीजों को रिकॉल करते हो। वैसे मुझे ना, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे सीरियसली कभी ऐसे नहीं होता कि मैं बहुत कभी नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ म्यूजिक सुनने की। मतलब होती हूँ, कुछ चीजों में याद भी आती है, कुछ चीजें जो हम लोगों ने कहीं पर गाना सुना हो, कुछ कर रहे हो, तो हम लोग को चीजें सारी याद आ जाती है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि मैं ना इमेजिनेशन में चली जाती हूँ जब भी मैं म्यूजिक सुनती हूँ। मैं हेडफोन्स लगाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है मैं, मेरी अपनी दुनिया बन जाती है, और उसमें मैं डांस भी करती हूँ, उसमें मैं उछलती कूदती भी हूँ। पता नहीं, ऐसी वाली दुनिया बन जाती है ना, जो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर हिना खान की। हिना खान ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया है और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। और तन्मय सिंह की अगर बात करूँ, मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा, बट मुझे ऐसा लगा कि लाइक यू नो हिना खान, मुझे लग रहा था कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म हिना, मुझे भी वैसे यही फील हुआ कि हिना खान जी की जो एक्सप्रेशन थे, जो एक सिनेरियो को लेकर जो गाने को क्रिएट किया गया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसे निभाया है। वो वाकई पता चल रहा है कि भाई हाँ, ये चीज जो है वो सीन के साथ चल रही है। लेकिन अगर तन्मय सिंह जी की बात करें, एक्टिंग उनकी भी बहुत अच्छी उन्होंने की है, लेकिन वो उनके सामने कहीं ना कहीं थोड़ा लैक कर रहे थे। मुझे ऐसा था कि फेस एक्सप्रेशन सिचुएशन के लिहाज से उस तरह से नहीं थी। तो मतलब एक होता है आपकी इंटेंस, आपके लुक
बुक आती है या यू नो जिस जिस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना, हाँ थोड़ा सा यू नो इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और हाँ ये मैंने मतलब देखा है कि भाई वैसे तो लड़के जिनसे हैं वो टून हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो लड़की ही टून हो गई हुई है। वैसे बीपरा के अगर मैं गानों की बात करूँ ना जो उन्होंने गाए हैं, उसमें तो एंड पे या तो लड़का मर जाता है या लड़की मर जाती है। इसमें तो म्यूजिक दिया हुआ है, इसमें दोनों मर गए हैं। लेकिन ये कि जो हम लोगों ने बीफ्रा का एक सॉन्ग सुना हुआ है हिमांशी खुराना वाला, वो बहुत अच्छा लगा है तो तेरा मन पर। अच्छा वो जो भी हम लोगों ने रिसेंटली नवाजुद्दीन सर का, नवाजुद्दीन सर थैंक यू कई बार करना शुरू की, नवाजुद्दीन सर का भी जो गाना सुना था वो भी बहुत मजा आया। मैं वैसे अगर बात करूँ हिमांशी खुराना जी का, तो उसी गाने से हमें वैसे पता चला था, लेकिन सही पता चला था उनका बिग बॉस से। किसका? हिमांशी खुराना का। हाँ, उसके बाद हमें वो पता चला था कि भाई ये उस गाने में भी है। अच्छा वैसे हिना खान भी बहुत फेमस थी। हाँ। लेकिन ये कि मुझे उनका भी पता ना बिग बॉस से पता चला था, क्योंकि ड्रामा वगैरह मैं इतना नहीं देखती तो इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट ये है कि अब जी प्यार की कदर करें, जैसे कि इसमें भी मैसेज दिया गया है अपने प्यारों के साथ में। प्यार सिर्फ एक तरह का नहीं होता, आप अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार कर सकते हैं, दोस्तों से प्यार कर सकते हैं। तो जिस जिससे भी आप प्यार करते हैं आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और मेरा ख्याल में एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जरूर बताए। लेकिन अगर लड़के लड़की को हो गई है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें थोड़ा जूते पड़ने के खदशा ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है ना, तो फैमिली को ना सपोर्टिव होना चाहिए लड़का और लड़की, क्योंकि एक सर्टन एज में आपको ऐसा होता है कि यू नो आपकी फीलिंग्स होती हैं, मतलब कंट्रोल नहीं होता आपका। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर आपके घर वालों की बहुत जरूरत होती है, और उसी टाइम पर हमारी सोसाइटी और हमारे घर वाले इतना उल्टा रिएक्ट करते हैं कि वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस बागी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो उनसे ना ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, क्योंकि नॉर्मली हालांकि वैसे देखा रहे ना, मुझे ऐसा लगता है ना अब पाकिस्तान में भी अगर इतनी ज्यादा लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन क्या है बताएंगे ये नहीं नहीं हमारे तो अरेंज मैरिज है, और मैं हैरान हो जाती हूँ, हंसी आती है ये बताने क्या शर्म है कि अभी लव मैरिज है। हालांकि पता चल रहा था उनके एक्सप्रेशन से हर चीज से कि भाई ये लव मैरिज हो रही है, लेकिन एक वो सोसाइटी का वो बना हुआ है ना कि भाई लव मैरिज, वाह लव मैरिज, तो उसे लेकर जो है ना लोग काफी ज्यादा। सच्ची वाली बात बताती, होता ये ना कि पहले जो होते ना उनके बड़े जिनके बच्चों ने लव मैरिज की थी, तो जो उनके बड़े होते ना वो ना दूसरों को बच्चों को बड़ी बातें करते हैं, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, तो फिर क्या होता है जब उनके बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं ना, तो फिर उनको बातें करने इसमें भी कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इस वजह से ना वो छुपाते नहीं, नहीं लव मैरिज हमने, अरे हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो आपको बात करनी चाहिए किसी के बच्चे को और ना ही आपको अपने बच्चों के बारे में सुननी चाहिए। ठीक है जीने दो और जियो अच्छे तरीके से, बट ये कि ये इतने बड़े इश्यूज नहीं होने चाहिए आज के टाइम में, हम लोग 21st century में है। Well guys, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मौसम कुछ बोलना चाहते हो? हम कहते हैं हम 21st century में, लेकिन लोगों के दिमाग जो है ना वो 18th century में है। हाँ यहाँ पर कह सकते हैं, बट मौसम फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है अब लाइक मतलब इस तरह बड़ा आम हो गया कि लोग अपनी पसंद की शादी करते बिल्कुल हैं। ये तो है। जो मतलब अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मेरे बचपन में मुझे पता है कि कितना एक टफ होता था कि नहीं आपको फैमिली में अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, लेकिन अब ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है, अब बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं सब। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो फ्लेक्सिबल होना है ना ये हम जो अब बड़े हुए हैं ना उनके लिए काफी एडवांटेज वाली बात है। इसी के साथ मैं जाना वीडियो से चैनल सब्सक्राइब शेयर की पसीना प्रेयर।